हेलो सेवेंथ क्लास दिस इज योर सोशल स्टडीज लेसन नंबर ट्वेंटी दिस इज योर एसएसटी बुक ओपन इट नाउ एंड योर लेसन नंबर ट्वेंटी फाइव इज मीडिया एंड डेमोक्रेसी लास्ट लेसन में मैं आपको डेमोक्रेसी बता चुकी हूँ बिकॉज डेमोक्रेसी इज द टाइप ऑफ गवर्नमेंट बाय द पीपल फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल कि हमारे इंडिया में या हमारे कंट्री में जो भी काम हो रहा है वो हम क्या कर रहे हैं अपने लिए ही कर रहे हैं अपने द्वारा किया जा रहा है हमारा काम तो दैट इज कॉल्ड अ डेमोक्रेटिक कंट्री या स्टेट ठीक है नाउ अब इसमें मीडिया का भी बहुत नाम है नो you वाई know क्योंकि मीडिया जो है एक टाइम पे बहुत सारे लोगों पर एक ही बार में एक ऐसी खबर पहुंचा सकती है जिसको बोला जाता है मास मीडिया लाइक रेडियो रेडियो आप सुनेंगे तो ज़रूरी नहीं है कि एक ही इंसान सुन रहा है एक सुना रहा है रेडियो लेकिन उसको उस टाइम पे बहुत सारे लोग सुन रहे होते हैं लाइक न्यूज़ भी टी मैगजीन्स भी और इंटरनेट ऑल्सो ये सारे किसके सोर्सेज क्या हैं ये सभी मास मीडिया के सोर्सेज हैं ठीक है एंड आपका रेडियो टेलीविजन एंड इंटरनेट हमारे कौन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया इसमें हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं एंड जो हमारे छपाई में आते हैं लाइक थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक प्रिंटेड डॉक्यूमेंट्स आर अवेलेबल टू कम्युनिकेट द इंफॉर्मेशन टू द पीपल लाइक हमारा न्यूज़पेपर भी प्रिंटेड फॉर्म में है है ना हमारा और न्यूज़पेपर के अलावा बताइए बताइए हमारा न्यूज़पेपर्स हो गया मैगजीन्स हो गया ये हमारे प्रिंटेड फॉर्म में है तो इनको बोला जाता है प्रिंट मीडिया ठीक है नाउ इन अ डेमोक्रेसी मोस्ट ऑफ द पीपल यूजुअली डू नॉट डायरेक्टली टेक पार्ट नहीं करते हैं they indirectly take part, दे इनडायरेक्टली टेक पार्ट क्योंकि दे दे मींस टू एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस किसी पॉलिसी पे अगर उनको कुछ बताना होता है तो वो क्या करते हैं जैसे वोटिंग uh, करते हैं जैसे हम डायरेक्टली नहीं तो बता सकते ना मुझे आप अच्छे लगते हो कि नहीं अच्छे हम वोटिंग के थ्रू उनको बता सकते हैं कि हम अपनी uh, जो पॉलिटिकल पार्टी कौन सा यूज़ करना चाहते हैं या हम कौन से रिप्रेजेंटेटिव को जिताना चाहते हैं या हम हरा हरा, हरा देते हैं उसको ठीक है नाउ हमारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ मीडिया क्या होते हैं कि वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना लोगों को या किसी के बारे में डिस्कशन डिबेट या शेप देना पब्लिक ओपिनियन को कि जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं प्रिंट मीडिया में आपका मैंने भी बताया था न्यूज़पेपर्स डेली टू डेली की हमें खबर मिलती रहती है वहाँ पे है ना एंड हमारे मैगजीन्स में भी आपको बहुत सारा जो एक है ट्रेंड में जो चल रहा है उसके बारे में बहुत सारे आप आर्टिकल्स वगैरह भी फाइंड आउट कर सकते हैं बुक्स एंड मैगजीन्स में भी किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है मैगजीन्स में भी इनजस्टिस को पढ़ सकते हैं ताकि जो इसका यूज करना चाहता है उसको पूरा पूरा फायदा हो जैसे आपको स्क्रीन पे ये कितने सारे बुक्स अवेलेबल हैं और मैगजीन्स भी अवेलेबल दिखाई दे रही है आपको दिख रही है ना नाउ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अभी मैंने बताया था जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ हो रहा है दैट मीन्स ऑफ जो हमारे मास मीडिया के यूज़ होंगे वो होंगे हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मीडिया इथिक्स एंड काउंटिबिलिटी क्योंकि मीडिया इज़ नोन एज द फोर्थ पिलर माना जाता है डेमोक्रेसी का बिकॉज मीडिया ही एक ऐसा लिंक है जो लोगों के बीच में और गवर्नमेंट के बीच में एक सोर्स बताता है हमें ऐसा करना चाहिए हमें ऐसा नहीं करना चाहिए या उसने ऐसा किया वो हमारे लिए बहुत नुकसान में रहेगा इसीलिए मीडिया को एक लिंक माना जाता है एंड बैलेंस इंफॉर्मेशन जो मीडिया है हमें प्रोवाइड करती है इन्फॉर्मेशन इन अ बिया मैनर विच मीनस द इन्फॉर्मेशन शुड बी बैलेंस होनी चाहिए ताकि हमें इन रियलिटी मीडिया इज नॉट इंडिपेंडेंट नहीं है लेकिन हमें गवर्नमेंट हमारी कंट्रोल करती है कई बार मीडिया को ठीक है एंड बिजनेस हाउसेस भी कंट्रोल करते हैं मीडिया को टीवी चैनल और न्यूज़पेपर्स एक हमारे बिजनेस का ही एक पार्ट है और हमें जैसे एडवर्टीजमेंट में मिलती रहती है जिससे हमारा सोर्स ऑफ इनकम है हम अपनी एडवर्टीजमेंट्स न्यूज़पेपर में देते हैं ना इस तरीके से नाउ नेक्स्ट वन इज़ ह्यूमन डिग्निटी ह्यूमन डिग्निटी या हमारा फ्रीडम लगा लीजिए आप इसको इक्वालिटी भी कह सकते हैं शुड ऑलवेज बी टेकन इन कंसिडरेशन वाइल प्रोडकास्टिंग को एनी इंफॉर्मेशन और न्यूज़ अब ये नहीं कि आप अपनी व्यूज़ तो शो कर रहे हैं लेकिन आप अपने व्यूज़ में आप दूसरे इंसान को इतना ज़्यादा उकसा दो कि वो फांसी लगा ले है ना तो, तो दिस इज़ नॉट द राइट वे टू एक्सप्रेस योर व्यूज़ और योर इक्वालिटी आप दिखाएं कि हाँ मैं भी बराबर करूंगा ये वो नो दिस इज़ नॉट द राइट वे ठीक है नाउ लाइक अवॉइडिंग वलगरे वलगरेटी यानी आप मीडिया जो है पब्लिश ऐसा नहीं कर सकते कि दूसरे के जो इमेज दूसरे की जो है आ, क्या कहेंगे हम उसको भावनाओं को हम ठेस नहीं पहुंचा सकते ओके करेक्टिंग द एरर्स अगर कोई एरर है न्यूज़ में दिखती है गिवन बाय द मीडिया वो पब्लिश हो गई है ब्रॉडकास्ट हो गई है बट द करेक्ट वर्जन ऑफ द न्यूज़ एपोलॉजी आप मिस्टेक कर सकते हैं मान सकते हैं एंड द गवर्नमेंट एंड द इंफॉर्मेशन मैंने अभी बताया था बिकॉज पीपल हैज़ ऑलवेज द राइट कि वो अपनी वर्किंग या पॉलिसीज़ को बता एंड देयर फोर द गवर्मेंट ऑफ़ अवर कंट्री यूज़ करती है मास मीडिया का ताकि वो इन इंफॉमेशन को प्रोवाइड कर सके इन ऐश्यूज़ पर ठीक है जैसे आपका परशर भारती हो गया जो इंक्लूड करता है ऑल इंडिया रेडियो एंड दूरदर्शन जिससे हमें अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी का या हमें किस तरह किसी चीज़ को रेगुलेट करना चाहिए या सेंडिंग आउट इन्फॉर्मेशन हम किस तरीके से कर रहे हैं ओके नाउ यू हैव द रेपअप वर्ड्स विच यू हैव टू रीड दैम ठीक है And uh, this is the answers of your question number A, B, C, and D, which you have to complete. Hello, 7th class. This is your social studies lesson number 20.